लता जी के जाने के बाद छोटी बहन हुई भावुक, दिल को चीर देने वाली लिखी इमोशनल पोस्ट। जब से भारत का रत्न लता जी का निधन हुआ है, तब से पूरे भारत में शोक की लहर है। लता जी को आज दुनिया को अलविदा कहे 2 दिन हो चुके हैं। उनके जाने से हर कोई उन्हें याद करता है। गौरतलब है कि भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार शाम मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर के अंतिम सफर के दौरान फूलों से सजी एक ट्रक को उनके घर से शिवाजी पार्क ले जाया गया था। इस ट्रक में सेना बल के साथ लता मंगेशकर के परिवार वालों में उनकी बहनें भी सवार थी। पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब छोटी बहन आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन को याद किया। उन्होंने अपनी और अपनी बहन की बचपन की तस्वीरें शेयर कर उनको याद किया। 88 साल की आशा भोसले ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, दीदी और मैं। इस तस्वीर पर लाखों फैंस के साथ कई बॉलीवुड एक्टरों ने रिएक्शन दिया है। मशहूर सिंगर AR रहमान ने लिखा आराध्य, तो वहीं ऋतिक रोशन ने दिल का इमोटिकॉन शेयर किया। एक फैन ने कहा कि हम सब आपके साथ में हैं मैम, लता जी हम सबके दिलों में हैं और हमेशा रहेंगी। बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर का 92 साल की आयु में निधन हो गया। लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना वायरस और निमोनिया से पीड़ित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता दीदी का अंतिम संस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंचे थे। उनके अलावा अंतिम संस्कार में शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आमिर खान, श्रद्धा कपूर, सचिन तेंदुलकर, अनुराधा पौडवाल, शंकर महादेवन, विद्या बालन और उनके पति और निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर सहित कई हस्तियां मौजूद थी। उनके अलावा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, पीयूष गोयल और शरद पवार जैसे बड़े पॉलिटिशियंस भी लता जी का अंतिम दर्शन करने मुंबई के शिवाजी पार्क में पहुंचे। तो इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।